अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है लर्न इजी के चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त मसूद अहमद शमसी। तो आज से फिर शुरुआत करते हैं अपनी बैटिंग टिप्स की, क्योंकि WCC3 आ चुका है और बहुत सारे लोगों को बैटिंग कंट्रोल समझने में बहुत दिक्कत हो रही है, टाइमिंग में दिक्कत हो रही है, उनके विकेट गिर रहे हैं। और ये वीडियो बहुत ख़ास है आप सभी लोगों के लिए जिनको बैटिंग कंट्रोल के बारे में जानना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं वन बाय वन आपको कंट्रोल के बारे में भी बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा कौन सा कंट्रोल बेस्ट है बैटिंग करने के लिए, और साथ ही आपको टाइमिंग के भी बारे में बताऊंगा कि आपको कब शॉट खेलना चाहिए अगर आप परफेक्ट टाइमिंग करना चाहते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप कंट्रोल के अंदर आएंगे तो बैटिंग कंट्रोल यहाँ पे तीन दिए हुए हैं। स्वाइप क्लासिक जो है वो अभी आया नहीं है, रिलीज़ होगा। यहाँ पे पुल एंड रिलीज और हिट बटन है। तो यहाँ पर जो मेरे लिए बेस्ट है और आपके लिए भी बेस्ट होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है पुल एंड रिलीज, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसी के अंदर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस कंट्रोल के अंदर आपको पांच चीज़ें देखने को मिलती हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसके बारे में मैं इस पूरे वीडियो में बात करूंगा वन बाय वन। अब यहाँ पर जो एक ये लॉफ्ट का बटन है, इसका क्या काम है? देखिए यहाँ पर जो ये लॉफ्ट का बटन है, ये अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये पीला हो जाएगा। इसके ऊपर 100% लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप सही से टाइमिंग करते हैं तो 100% आपका सिक्स जाएगा। तो ये परसेंटेज भी बताता है और हर शॉट के बाद ये कम भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया है और परफेक्ट शॉट लगाया है, यानी टाइमिंग अच्छी हुई है, तो यहाँ पर ये शॉट लगा और सिक्स भी लगा। तो इसी तरीके से अब मैं दूसरे जो ऑप्शन है उसके बारे में बात करूंगा, जो एडवांस का ऑप्शन है। ये क्या काम करता है? ये देखिए, अगर आप ग्राउंडेड शॉट लगाते हैं तो अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपके शॉट में और भी ज़्यादा पावर आ जाती है। तो अगर आप ग्राउंडेड शॉट में पावर देना चाहें तो ये एडवांस को ज़रूर सिलेक्ट करें। अब दोस्तों रन लेते टाइम आपको यहाँ पे स्प्रिंट का ऑप्शन शो होगा, इसको आप टैप टैप करके दबाइएगा, जिससे जो रनिंग बिटवीन विकेट है वो बहुत तेज़ हो जाएगी, बल्लेबाज बहुत तेज़ दौड़ेंगे और वैसे भी ग्राउंड बहुत बड़े दिए हुए हैं, तो दो रन बहुत ही आराम से आप ले पाएंगे। होल्ड करके भी आप रख सकते हैं ये स्प्रिंट के बटन को, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा टैप टैप करके होगा। अब दोस्तों बात करते हैं छोटे से बैट की, ये है जॉयस्टिक और इसको आपको टैप करना है और इसको खींचना है और होल्ड करके रखना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे आपको इसको खींचेंगे होल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और जिस तरफ आप होल्ड करके खींच के इसको रखेंगे शॉट उसी तरफ जाएगा, और जब आपको इसको छोड़ना है जब आप शॉट खेलें। तो यहाँ पर दोस्तों मैप में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस तरफ आप इसको होल्ड करके रखेंगे मैप में एक लाइट टाइप की रहेगी पीली पीली, तो आपको इससे भी पता चल जाएगा कि शॉट किधर तरफ जाएगा। तो ये जॉयस्टिक आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो आपने सिलेक्ट किया है, अगर लॉफ्ट सेलेक्ट किया है तो आपका सिक्स जाएगा, नहीं सिलेक्ट किया है तो आपका ग्राउंडेड शॉट जाएगा। तो ये जॉयस्टिक आपको होल्ड करके रखना है और जब आप छोड़ेंगे बल्लेबाज शॉट खेल देगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये जो कंट्रोल है वो ईजी है बटन वाले कंट्रोल से। अब दोस्तों इस फीचर के बारे में बता दूं, ये क्रीज है और ये फुटप्रिंट है, इससे आप बैट्समैन को आगे पीछे मूव कर सकते हैं और बैक फुट और फ्रंट फुट में खेल सकते हैं। अगर आपको फ्रंट फुट में खेलना है तो ये वाले जो फुटप्रिंट है इनको आप आगे की तरफ खींचिए और यहाँ पर इसको रोक कर रखिए जब तक आपका शॉट नहीं हो जाता, और बैट्समैन फ्रंट फुट पर आके खेलेगा। अगर ऊपर की तरफ होल्ड करके रखेंगे तो बैट्समैन बैक फुट में जाकर खेलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, इसे आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं टाइमिंग की। टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि आपको ये जॉयस्टिक को होल्ड करके रखना है और जब गेंद यहाँ पर आ जाए, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो ब्लू सर्कल है उसके ऊपर जब टैप करने वाली हो या आप कह सकते हैं पिच करने वाली हो, तभी आपको ये जॉयस्टिक को छोड़ना है। जैसे आप जॉयस्टिक सही टाइम पर छोड़ेंगे तो आपका शॉट बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट जाएगा और सिक्स भी लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप अच्छे से बैटिंग कर सकते हैं। नए कंट्रोल हैं, बहुत से लोगों के समझ में नहीं आए होंगे, लेकिन इस वीडियो को देख के मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आ गया हो तो जस्ट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे वीडियो इसी WCC3 के ऊपर ट्रिक्स एंड टिप्स पर लेकर आने वाला हूँ। तो बस दोस्तों आपकी कोई राय हो तो जल्दी से कमेंट में बताइए, कोई स्पेशल वीडियो बनवाना हो तो भी बताइए। बस दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।